वहीं जयपुर में राष्ट्रीय सेवा संगम का शुभारंभ हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सेवा समागम में शिरकत की है। कार्यक्रम के दौरान भागवत ने संबोधित भी किया। उन्होंने आरएसएस के सेवा भाव और भारत के विश्वगुरु बनने पर बड़ी बात कही है। भागवत ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तो मोहन भागवत के संबोधन को हम आपको सुनाएंगे, क्या बड़ी बातें सेवा संगम में कही गई हैं मोहन भागवत द्वारा। विश्व गुरु बनने के लिए एकजुटता जरूरी है, ये अहम बात रही राष्ट्रीय सेवा संगम में। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरसंघ चालक मोहन भागवत की संबोधित कर रहे थे और कई बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने कहा उन्होंने किया। उन्होंने कहा विश्व गुरु बनने के लिए एकजुटता बहुत जरूरी है। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं, यह हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं, यह हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा।